अभी हम जा रहे हैं वापी टू सूरत। सूरत में भी बहुत सारे पॉइंट्स है देखने के लिए और सूरत सिटी इटसेल्फ ही बहुत ब्यूटीफुल है, उसके लिए कुछ अलग पॉइंट्स की जरूरत है। यहाँ पे एक मॉम मैंने ऑब्जर्व किया है लेकिन कि जगह का यूज ऐसे लोग ज्यादा नहीं करते, मतलब यहाँ पे जरूरत ही वो नहीं है, जगह जगह पे ऐसे बिल्डिंग्स खड़ी की ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब सिटी के बाहर के जो हाईवेज है वहाँ पे भी मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया। अभी अपने महाराष्ट्र में कैसा है देखो कि पॉपुलेशन ज्यादा है ना, उसकी वजह से वो करना ही पड़ता है कि हाईवे पे भी आजू बाजू में बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। वो यहाँ यूज किया है सिर्फ नेचर के लिए। नेचर, हाँ वो है। यहाँ पे आपको खेती गुजरात में बहुत दिखेगी और ऐसा खुला एरिया जहाँ पे सिर्फ पेड़ है ऐसा बहुत, 90% हाईवे पे तो यही है। ये देखो पूरा अगल बगल में खेती है और बीच में ये रोड। सो एक रैंडम और अननोन लेक मिला है हमको रास्ते में जो कि बहुत अच्छा है। ये ऐसे ही बारिश के वक्त तैयार हुआ होगा। हम पहुंच चुके हैं अभी गाइस सूरत सिटी में। सूरत सिटी का कुछ आउटर एरिया है। स्ट्रीट्स यहाँ की बहुत ज्यादा क्लीन है और डिसिप्लिन्ड है यहाँ पे सब बिल्कुल, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि कोई ऐसे रूल्स वगैरह तोड़ रहा है। ड्राइविंग एकदम अच्छा है। A few moments later. यहाँ पे फुल भसड़ है, यहाँ पे सब लहराते हैं। तो ये है गोपी तलाव का पार्किंग गाइस। यहाँ पे टू व्हीलर का पार्किंग है और हमारे पीछे कार का, कार के लिए 20 rupees चार्जर था। तो इसका निर्माण गाइस 1510 में किया गया था मलिक गोपी के द्वारा। 18th सेंचुरी तक ये यूज होता रहा लेकिन उसके बाद ये इतना गंदा हो गया, मतलब इसमें मड वगैरह आ गया, तो उसके वजह से 18th सेंचुरी में आउट ऑफ यूज हो गया, यूज नहीं किया गया। पहले इसका एज अ रिजर्वायर यूज होता था, बहुत ही यूज है। ये इतना बड़ा अगर रिजर्वायर हो तो कमी हो ही नहीं सकती पानी की। 3 फ्रेश वाटर की धाराएं आके इसमें मिलती है तो इसकी वजह से ये इतना बड़ा है और खास करके मॉनसून में इसका पानी बढ़ जाता है। अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ के बोर्ड्स की स्टाइल देखो, ऐसे एक एंशिएंट फील दे रही है ना। यहाँ पे गाइस ऐसे बोटिंग की भी सुविधा है, आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। और ये व्हाइट पैच है ना, हाँ वहाँ पे लाइट होता है शाम को। हाँ चलो फ्लाई करते हैं। वहां से गाइस आप बोटिंग के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी क्यों है लेकिन? बहुत है, मुझे तो कोकण से भी ज्यादा लग रही है। हाँ, कुछ मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। पता नहीं शायद ये बीच के करीब है इसलिए। वैसे 20 rupees इसकी एंट्री फीस है, अगर टाइम हो तो आके बैठ सकते हो। आगे बारिश इतनी जोर से अभी मुझे लगता है आने वाली है क्योंकि ह्यूमिडिटी पीक पे जा चुकी है अभी। ये हाँ सच में थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। ये वैसे मेडिटेशन एरिया है। अरे बाप रे, ये देखो ये जो लेक है गाइस ये बिल्कुल सूरत सिटी के बीचों बीच है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा लेकिन वो वर्थ इट है। यहाँ पे आने पे सुकून जो मिलता है उसके सामने वो कुछ भी नहीं। तो इसकी एंट्री ही इतनी ह्यूज है कि मतलब इससे ही पता चल जाता है कि अंदर एक बहुत बड़ा कुछ तो स्ट्रक्चर होने वाला है। ये तापी रिवर है गाइस, तापी रिवर का ब्रिज है भाई। अभी हम गुजरात आ चुके हैं और वहाँ का स्ट्रीट फूड ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी हम यहाँ की हवा मलई कुल्फी क्योंकि यह लिक्विड अच्छा ये ट्राई कर रहे हैं। अब हम ट्राई करेंगे कुल्फी गुजरात कैसी है लेकिन जो लिक्विड था वो इससे बेटर था। अब हम जा रहे हैं गाइस बोटैनिकल गार्डन, सूरत में ही है लेकिन इतना देखने लायक है कि आप देखते ही रह जाओ। 3 घंटे से ज्यादा बिता सकते हैं।
और मतलब वो हेवन है सूरत का। ये है स्वामीनारायण रोड, तो यहाँ से ये थोड़ी भसड़ का एरिया है, लेकिन यहाँ से थोड़ा गुजरना पड़ता है। इनके आगे पेशेंस रखने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होता हमारा। हाँ, सही है। अंकल एक तो पहले से ही पक्के आए थे, उसके ऊपर वो पार्क में एंट्री फ्री छे ऐसा कुछ तो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर गलत पढ़ रहा हो तो आप करेक्ट कर दो मुझे। हम जब मॉम दक्षिण साइड जाएंगे भारत की, तो भी मुझे लगता है सेम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो भी लैंग्वेज हमें आती नहीं। मुझे हाँ, लगता है लेकिन इंग्लिश से हो सकता है। इंग्लिश से हो सकता है, लेकिन बोर्ड्स पढ़ने में। हाँ वो तो है। तो मुझे लगता है जब तक हम वो ट्रिप करेंगे तब तक फटाफट वो लैंग्वेज ही सीख लेते, ज्ञान में भी थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगी। और आना चाहिए तो सही पढ़ रहा था मैं, वो एंट्री फ्री ही है। यहाँ पे क्या है, राइड्स लेने के लिए पैसे है, मतलब अलग अलग राइड्स के अलग अलग रेट्स है, कुछ के 60, कुछ के 50, कुछ के 40, ऐसे है। लेकिन हमारे मतलब का कुछ नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों का। हाँ वो सभी छोटे बच्चों का है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये सारे राइड्स छोटे बच्चों के लिए। ये कुछ बच्चों का सेक्शन है आते ही, अभी हम मेन बोटेनिकल गार्डन की ओर निकलते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री है सामने से। कहाँ निकलते वो, वहाँ पे बच्चों के लिए जो एरिया है गाइस वो फ्री है, लेकिन ये आगे है, ये मेन बोटानिकल गार्डन में जाने के लिए एंट्री फीस है। ये इसकी अट्रैक्शंस है पूरी, आप सभी ये आगे देखोगे गाइस ब्लॉग में। तो बोटानिकल में ही ये है अभी स्कल्पचर गार्डन, यहाँ पे ऐसे अलग अलग स्कल्पचर्स है। ये एकदम से देख के माथेरान के ही याद आ गए, है ना, फुलरानी बोलते हैं इसको। माथेरान हमारे इतने पास में है और हमने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया, और हम यहाँ पे आ रहे हैं गुजरात में 600 किलोमीटर दूर पूना से, और हम यहाँ पे ब्लॉग कर रहे हैं। जब हम गए थे पहले, हाँ? तब हमारा ब्लॉगिंग नहीं था। हाँ वही तो ना, लेकिन देखो ना, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद हमने पूरा इंडिया घूम लिया। हाँ? लेकिन हम माथेरान नहीं गए ब्लॉग करने। तो चलो ना। यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के कैक्टस है, ये सभी प्रजातियाँ हैं। किसी जगह पे आपको 20-30 स्पीशीज मिल जाएंगे कैक्टस की, तो इसका नाम ही जैसे कि सजेस्ट करता है कि ये एक बोटानिकल गार्डन है, तो बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पूरा खजाना है। भगवान विष्णु के थे सबसे बड़ेस्ट फ्रूट। मैंने कहीं तो पढ़ा है, मुझे लगता है पद्म पुराण में पढ़ा है मैंने। हाँ। वो दूसरा श्लोक है, सृष्टि खंड है ना, उसमें हाँ। दूसरा श्लोक है, आमला के बारे में ही लिखा है। अगर हम आमला के पेड़ का प्लांटिंग करें ना, हाँ। तो डेथ और रिबर्थ से मुक्ति मिल जाती अच्छा? है। हाँ। मोक्ष प्राप्त हो जाता है किसी को भी। मेन देखा ना, ये अलग सब डिजाइन हो गया है, देखो कैसा डीपली देखा जाए तो दिखाई देता है। ये वाला पोर्शन, ये गाइस प्लूमेरिया गार्डन है, ये एक डेसिडियस प्लांट है, और इसका ओरिजिन हुआ था मेक्सिको में। डेसिडियस का मतलब वही है कि इसका जो पत्ते है वो हर साल पूरी तरह से झड़ते हैं और नए आते हैं हर साल। ये एक सेक्शन है यहाँ पे, इसको जापानीज गार्डन ऐसा कहा गया है। ये इसमें बाकी खास कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोन्स है। ये मेडिटेशन के लिए ऐसा करते हैं जापान में, मेडिटेशन के लिए। हाँ। तो यहाँ पे बहुत वाइड वैरायटी मिलेगी प्लांट्स की, मतलब हद से ज़्यादा है ना। वो साइकस रेवोल्यूटा, इसका आगे का चला गया है, कोई नहीं। ये न्यूट्रिशन गार्डन है गाइस, इन शॉर्ट खाने के प्लांट्स है, जैक फ्रूट वगैरह ऐसे। यहाँ से इस पटरी पर से चलने में भी मज़ा है अलग, पूरा दोनों तरफ से, लेकिन ट्रेन आ गई तो जब हम माथेरान गए थे ना रूट सर में, तो वो चली थी पटरी पर से, वहाँ से हमारे एयरपोर्ट। ये गार्डन इटसेल्फ ही एक भूल भुलैया है, इतना बड़ा है ये गार्डन कि बस घूमते ही जाओ। ये जो क्लाइंबर्स होते हैं गाइस, ये बेल जो होती है इनका एक मूवमेंट होता है, तो वो जो मूवमेंट है उसको थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। और थिग्मो मतलब ग्रीक में ऐसा, उसका मतलब होता है कि टच, वो टच सेंस करके उसके ऊपर वो ग्रो करने लगती है। ये देखो, तो अभी भी गाइस हम सूरत में ही है, तो अभी सूरत लीव कर रहे हैं हम, तो बाय बाय सूरत कहने का टाइम आ चुका है। बाय बाय सूरत। हमारा बहुत ज़्यादा वक्त चला गया शॉपिंग करने में, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि सूरत मतलब सभी कपड़ों का
वो एक बार अंदर एंटर किया हाँ। तो रहा नहीं गया ये लोग। तो और एक तो चीजें तो ली ही और एक चीज लेने में इतनी देर चली गई, तो अभी छोड़ो ही पूछो ही मत। हर एंगल से एक चीज को हम देख रहे एक एक पीस को। हमने एक्चुअली सोचा कि हम वैसे भी गुजरात जा ही रहे तो सूरत चले जाते हैं, और सूरत ही जाना है तो गोपी तालाब भी कर लेते हैं। हाँ। वो ऐसे लिंक लगती गई। यहाँ पे वैसे होटल्स की कुछ कमी नहीं है गाइस, यहाँ पे मिल गया हमको और थैंकफुली एसी वाले मिल गया। एसी वाले और प्योर वेज है। प्योर वेज हाँ, जहाँ भी जाओ प्योर वेज, प्योर वेज है वो एक हमें दिक्कत है। हाँ। हमें तो वेज ही लगता है। हाँ। इसके बाद हमने रोड्स के ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करते हुए एक लॉज बुक किया और वहाँ पर रह गए और बहुत धमाल। बाकी वो देखने के लिए सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।